अरे मेरे पास तो अगर 10 विधायक आज होते तो मैं नॉमिनेशन आपका भरवा देता। भूपेंद्र हुड्डा के पास तो आज भी 30 विधायक है, डरता क्यों है? सर जो विधायक पार्टी छोड़ गए हैं बीजेपी, क्या किसी पार्टी के संपर्क में है या कोई? तो उनसे आप पूछो, मुझे तो छोड़ गए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस चुनाव के बीच में एक और चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के बीच में चुनाव हो रहा है राज्यसभा के एक सदस्य के लिए। हरियाणा के अंदर राज्यसभा की एक सीट खाली हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने लोकसभा के सदस्य, सांसद चुने गए और उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा से इस्तीफा होने के बाद में ये सीट वैकेंट हुई, खाली हुई और इस सीट पर अब रार है, क्योंकि नॉमिनेशन जो फाइल करना है उसकी अंतिम जो तिथि है वो कल की है। कल यानी कि शाम को 5 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। आज बड़ी चर्चाएं थी कि किरण चौधरी को कैंडिडेट बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वो नामांकन कर सकती हैं, लेकिन शाम तक ऐसी खबरें कोई पुष्ट आई नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चर्चा में हूँ वो ये है कि कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला, जो इन दोनों पार्टियों के बीच जो चल रही थी शब्दवान यानी कि शब्दों की जो जंग थी, रार थी, लड़ाई थी, वो आज भी जारी है। कांग्रेस ने एक तरफ ये कह दिया है कि उनके पास क्योंकि नंबर संख्या बल नहीं है, नंबर गेम में वो पीछे हैं, इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि आपके पास नंबर गेम तो है, आपके पास तो मेरे 5 विधायक भी आ चुके हैं, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं आपको बताता चलूं कि दुष्यंत चौटाला ने कल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा था, ताना मारा था और ये कहा था कि वहाँ होकर यहाँ दिखते रहे। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में हो करके भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में दिखते हैं। आज वो दिल्ली में थे दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत की और उसके अंदर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस ऐलान कर दे कैंडिडेट का, 16 घंटे बाकी बचे हैं, सबसे पहले मैं खड़ा मिलूँगा विधानसभा स्पीकर के कक्ष में। मैं आपको बता दूँ कि अभी भी दुष्यंत चौटाला जी के पास जो पुख्ता 3 विधायक हैं, उनके 5 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और क्योंकि अभी तक राइट किसी का ख़त्म नहीं हुआ वोटिंग का, किरण चौधरी का आज इस्तीफा हुआ, बाकी जो विधायक हैं अब 86 विधायक हैं, 86 विधायकों में से जो चुनाव होना है राज्यसभा के सदस्य के लिए, अगर नंबर गेम की बात आ जाती है तो फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा सा है, मामला कुछ बिगड़ा सा है। दुष्यंत चौटाला जो कह रहे थे, पहले आप उसे सुनिए एक बार आज। अरे मेरे पास तो अगर 10 विधायक आज होते तो मैं नॉमिनेशन आपका भरवा देता। भूपेंद्र हुड्डा के पास तो आज भी 30 विधायक है, डरता क्यों है? मैदान है, मैदान में तो लड़ने वाले की जीत होती है, लड़ोगे नहीं हथियार गिर दोगे, जीत कैसे हो? मैं तो ये बोलता हूँ, अभी भी हमारे पास 16 घंटे हैं, हिम्मत दिखाएं। अगर वो रात को भी हिम्मत दिखाएंगे, कल सुबह मैं स्पीकर ऑफिस में उनके साथ बैठकर साइन करूँगा। वो तो हिम्मत ही नहीं दिखा सकते, डरते हैं, और ये डर आज का नहीं है, 10 साल का। आप देखना आगे जब टिकटों का बंटवारा होगा, वो डर वहाँ भी दिखेगा। दुष्यंत चौटाला इसके अंदर कह रहे हैं कि संख्या बल भी ठीक है उनके पास, बस आत्मबल रखें। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि 10 साल से यही सब चल रहा है और जब अब टिकटें बटेंगी कांग्रेस की तो भी यही होगा। दुष्यंत चौटाला को एक टीस भी दिखाई दी अपने विधायकों के छोड़ करके जाने की, कह रहे हैं कि जितना मान सम्मान मैंने दिया इतना कहीं मिलेगा नहीं। आप ये भी सुनिए। सर जो विधायक पार्टी छोड़ गए हैं बीजेपी, क्या किसी पार्टी के संपर्क में है या कोई? तो उनसे आप पूछो, मुझे तो छोड़ गए, और जो मुझे छोड़ गया मैं उससे क्यों संपर्क करूं? क्या लगता है कि कुछ जानबूझ के ऐसी कोई साजिश बीजेपी के खिलाफ की जा रही है? देखिए, साजिश हो, उनकी इच्छा हो, उनके स्वार्थ हो, उस पर तो बेहतर वो बता पाएंगे। पार्टी ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी और शायद हमसे ज्यादा मान सम्मान आने वाले भविष्य में भी कोई उनको ना दे पाए। तो ये राजनीति है,
दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि चुनाव का ऐलान हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी की पीएसी की बैठक होगी और पीएसी की बैठक में हम अपने कैंडिडेट्स का चयन करेंगे। सर, विधानसभा को लेकर कितनी तैयार है जेजेपी? तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है, पूरी तौर पर तैयार है और 1 तारीख से पहले पीएसी की बैठक बुलाकर जो हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको फाइनलाइज भी कर लें और उसको पब्लिक डोमेन में भी देने का काम करें। हमारा उद्देश्य प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसको देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए इनसो के स्थापना दिवस पर पार्टी ने 10 घोषणाएं करी है, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा है कि अग्निवीर जो वापस आएंगे वो सिपाही से अफसर कैसे बने, उसके लिए हायर एजुकेशन चाहे वो पीएचडी तक करना चाहे उसका सारा कॉस्ट स्टेट बेयर करे। इसी तरीके से अब महिलाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का, जल्द पार्टी की जो कोर कमेटी है वो वर्किंग करके उन घोषणाओं को भी लेकर जनता के बीच में आने का काम करें। मैं मानता हूँ पिछली बार रविदास मंदिर हो, 75% रोजगार में कानून हो, 50% महिलाओं को पंचायत में हिस्सेदारी हो, 8% बैकवर्ड ए को हिस्सेदारी हो, जो पार्टी ने घोषणाएं करी उनको अचीव भी किया और आगे भी संगठन के साथी जो घोषणाएं करेंगे उनको मजबूती के साथ हम जनता के बीच में लेकर चलेंगे, जनता के विश्वास के साथ आने वाले समय में पूरा करने का काम। सर, आपने कांग्रेस को एक मैसेज दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा उम्मीदवार है उसके नाम का अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन उसके पलटवार में उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है और आप भी ये बात जानते हैं, इसी वजह से आप ये बात कह रहे हैं। अरे, मेरे पास तो अगर 10 विधायक आज होते तो मैं नॉमिनेशन आपका भरवा देता। भूपेंद्र हुड्डा के पास तो आज भी 30 विधायक है, डरता क्यों है? मैदान है, मैदान में तो लड़ने वाले की जीत होती है, लड़ोगे नहीं हथियार गिर दोगे जीत कैसे हो। मैं तो ये बोलता हूँ अभी भी हमारे पास 16 घंटे हैं, हिम्मत दिखाएं। अगर वो रात को भी हिम्मत दिखाएंगे कल सुबह मैं स्पीकर ऑफिस में उनके साथ बैठकर साइन करूँगा। वो तो हिम्मत ही नहीं दिखा सकते, डरते हैं और ये डर आज का नहीं है, 10 साल का। आप देखना आगे जब टिकटों का बंटवारा होगा वो डर वहाँ भी दिखेगा। सर, जो विधायक पार्टी छोड़ गए हैं जेजेपी के, क्या किसी पार्टी के संपर्क में है या कोई? वो तो उनसे आप पूछो, मुझे तो छोड़ गए और जो मुझे छोड़ गया मैं उससे क्यों संपर्क करूँ? क्या लगता है कि कुछ जानबूझ के ऐसी कोई साजिश जेजेपी के खिलाफ की जा रही है? देखिए, साजिश हो, उनकी इच्छा हो, उनके स्वार्थ हो, उस पर तो बेहतर वो बता पाएंगे। पार्टी ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी और शायद हमसे ज्यादा मान सम्मान आने वाले भविष्य में भी कोई उनको ना दे पाए। अभी जेजेपी की क्या प्लानिंग है? हरियाणा को लेकर के गठबंधन की चर्चाएं तो थी, उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं है। 90 विधानसभा में किस तरीके से आप देख रहे हैं? 90 हल्का प्रधान घोषित कर दिए हैं, 90 के 90 विधानसभा पर हल्का प्रधान अपनी कार्यकारिणियों के साथ काम शुरू कर चुके हैं और जल्द 90 सीटों पर जो पार्टी के चुनाव लड़ने वाले साथी हैं उनकी भी इनपुट हमारे पास आ जाएगी। हाँ, अलायंस के अंदर अगर कोई एक ऐसा साथी या 2 साथी या 3 साथी हमारे साथ आते हैं जो प्रदेश को कैसे स्टेबिलिटी दे पाएंगे, कैसे हम आगे अच्छी सरकार चला पाएंगे, वो सोच को रखते हैं तो जरूर उस पर भी विचार। सर, किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है? आप करा दोगे तो जरूर हो जाएगी। सर, देखते कहाँ पर आप, क्योंकि आप अगर बात करें ना तो बीएसपी की तरफ अभी कुछ हो, आम आदमी पार्टी मना कर चुकी है, ऐसे में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी से ना हमने चर्चा करी अभी तक, किसने मना किया है और क्यों किया है वो तो आपको बेहतर पता होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि वो इंडिया अलायंस का सदस्य है, अभी तो उनको तय करना है कि वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अलग होगी तो जरूर चर्चा करेगी, अगर वो कांग्रेस के साथ लड़ेगी तो हमारा साथ उनके चर्चा करने का तो कोई औचित्य नहीं बना। आम आदमी अगर पहल करती तो आप लोग तैयार हैं इस पर? करेगी तो जरूर चर्चा करेगी, चर्चा कर अगर हमारे दोनों का या कोई तीसरा चौथा पांचवा मिला के कोई सहमति बनेगी तो वाई नॉट। मगर आज के दिन शायद जननायक जनता पार्टी ने ना उस डायरेक्शन में सोचा है ना हम सोचेंगे, हम अपना 90 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं होगा तो सबसे युवा कैंडिडेट्स प्रदेश में उतारेंगे, क्या पता ऐसी जो सीट है जहाँ हम 3rd आए उसको 5 साल बाद तो हम 1st में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और हमने पीछे भी देखा है, आगे भी देखेंगे। इस बार लोकसभा में हमने 5 कैंडिडेट युवा उतारे थे। मुझे खुशी है कि 5 साल बाद के लिए तो लोकसभा के तैयारी कर कर फर्स्ट सेकंड पोजीशन की लड़ाई लड़े। 2019 में जेजेपी एक किंग मेकर की भूमिका में रही थी, 2024 में किस तरह से देखते हैं सरकार? तो आज भी कहता हूँ और 19 में भी कहता था, ताड़ा हम ही खोलेंगे। एक मैनिफेस्टो जो आपने रखा था, 5100 पेंशन, 75% नौकरी, प्रयास करा, आगे बढ़े, सफल पूरी तरह से नहीं हुआ, क्या उसको दोबारा से लेकर चलने वाले हैं? दीपक, 3000 बुढ़ापा पेंशन किसी और प्रदेश में हो तो 75% का कानून ला के, ऐसे तो प्रधानमंत्री ने भी जुडिशियल कैसे कोलिजियम बने, कानून लाया था, कोर्ट ने स्टे करा। कोर्टों के ऊपर जो कदम उठते हैं शायद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं उन पर ज़्यादा कर पाती, लड़ाइयाँ लड़ पाती है कोर्ट के अंदर। हमारे घोषणा पत्र का एक ऐसा विषय बताओ जिसको हम चला ना पाए, शायद आपको भी ना पता, क्योंकि हमने हर विषय पर काम किया। आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में हिंदी लागू होगी, लागू कराई यार, और राष्ट्रपति का अप्रूवल लेके लागू करवाई। पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का जो कानून था हमने लागू कराया। लाल डोरा मुक्त हरियाणा बनाने का कदम हमने उठाया, आज प्रधानमंत्री ने 8 और प्रदेशों में लागू किया। डिजिटल लाइब्रेरी गांव में बने, ये किसका सपना था? हमारा था। 1200 डिजिटल लाइब्रेरी निर्माणाधीन है, 100 से ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी आज प्रदेश में चल रही है। स्पोर्ट्स के जो हमारे युवा हैं उनकी डाइट 150 से 400 रुपए हमने करवाई और उसको 1000 भी आगे हम करेंगे। प्रोजेक्ट हिसार एयरपोर्ट जब आप डिप्टी सीएम थे, काफी आपने उसके लिए कोशिश की, मेहनत की, लेकिन उसके बाद अभी क्या वो अधर में रुक गया है? नहीं, अधर में नहीं है, जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उसको बोल नहीं सकता। अब पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वहाँ पर कैलिब्रेशन के लिए प्लेन आए थे, 1 महीने तक कैलिब्रेशन चलनी है और 1 महीने में साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये प्रपोजल हमने पहले ही भेज रखा था कि इसको डी लाइसेंस कर दिया गया था जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसकी लाइसेंसिंग अप्लाई कर दी है सर। राजनीति हो, समाज नीति हो, या जीवन का कोई भी हिस्सा, उतार चढ़ाव जीवन का एक अंग है। एक समय वो था कि जब दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बने हुए थे, और आज दुष्यंत चौटाला की स्थिति आप ये कह सकते हैं कि वो बेचारगी से भरे हुए हैं। उन्हें कहना भी पड़ा कि उनके विधायक छोड़ गए तो उनसे क्या बात करूं मैं, जब वो छोड़ गए तो आप ही उनसे पूछिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि दोस्तों, ये राजनीति है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो दुष्यंत चौटाला आरोप लगाते हैं वो कितने तथ्यपरक हैं? आपको क्या लगता है कि क्या राज्यसभा सदस्य के लिए अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती तो क्या वो संख्या बल में कहीं कामयाब हो सकते थे, और या फिर कहीं हुड्डा साहब को लग रहा था कि फजीहत हो सकती है इसलिए कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट नहीं दे रही? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।